सो दोस्तों फाइनली यहाँ पर लावा का अग्नि 2 5G स्मार्टफोन ऑफिशियली लॉन्च कर देगा लावा की तरफ से। एंड यहाँ पर स्मार्टफोन जो प्राइस आपको देखने को मिलती है 8GB रैम प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज वेरियंट की, वो होने वाली है 21,999 यानी कि 22,000 रुपये। एंड 2,000 रुपये का यहाँ पर आपको बैंक डिस्काउंट भी मिलने वाला है, जिसके बाद ये स्मार्टफोन आपको सिर्फ और सिर्फ 19,999 रुपये का पड़ने वाला है। अब एक्चुअल में क्या स्मार्टफोन बाय करना चाहिए या फिर इससे अलावा आपको कोई और स्मार्टफोन इससे बेटर वैल्यू जो वो प्रोवाइड कराने वाला है, आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। वैसे तो कल मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला था, ये वाला आपने अगर नहीं देखा तो चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप में से काफी सारे लोग तो देख ही चुके होंगे। आप में से काफी सारे लोगों ने हेट भी किया है इस वीडियो को कि भाई तू क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा, ये इंडियन ब्रांड है, इतना अच्छा स्मार्टफोन है, आपको सपोर्ट करना चाहिए था। कि यहाँ पर सभी गालियां भी दे रहे थे कुछ लोग, मैं उनका नाम यहाँ पर लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन वो सबसे बड़ी पब्लिक चूतिया पब्लिक है हिंदुस्तान की, सबसे बड़े बेवकूफ जो आपको देखने को मिलेंगे वो हिंदुस्तान में ही देखने को मिलेंगे। अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज बुरा मत मानना, अब मैंने ऐसा क्यों कहा आगे आपको पता चल जाएगा। वैसे मैंने थंबनेल में लिखा हुआ था ये कभी नहीं सुधरेगी, वो इंडिया की पब्लिक के लिए ही लिखा हुआ था। अब वैसे तो यहाँ पर जो स्मार्टफोन है यहाँ पर आपको काफी तगड़ी वैल्यू ऑफर कर देता है, यहाँ पर स्मार्टफोन में कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको एक ही जो दिक्कत देखने को मिलती है स्मार्टफोन के कैमरा में, यहाँ पर आपको कोई भी वीडियो स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलती, जो कि यहाँ पर आपको वीडियोग्राफी में थोड़ी बहुत भी हेल्प नहीं होने वाली है, काफी ज्यादा पुअर यानी कि बेकार वीडियो एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको स्मार्टफोन में मिलने वाला है। अब 4K का ऑप्शन मिलेगा वीडियो क्वालिटी में या फिर नहीं मिलेगा, उसके बारे में भी लावा ने कोई भी डिटेल नहीं दी थी अपने लॉन्च इवेंट में, तो ये एक माइनस पॉइंट स्मार्टफोन का हो सकता है। अदरवाइज 20,000 रुपये में इससे बेस्ट स्मार्टफोन आपको नहीं मिलेगा, 20,000 नहीं दोस्तों 22,000 रुपये में, क्योंकि 20,000 रुपये का स्मार्टफोन उन्हीं को मिलेगा जो कि इसको फर्स्ट सेल में बाय करेंगे अमेजोन से। अदरवाइज अगर आप लोकल मार्केट से बाय करेंगे तो 22,000 रुपये का ही ये स्मार्टफोन आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पर मैं उन लोगों का जवाब दे देता हूँ जो लोग यहाँ पर कल मुझे हेट कर रहे थे। अब देखिए भाई, आपको मैंने चूतिया और बेवकूफ क्यों कहा, उसका सबसे बड़ा कारण है स्मार्टफोन की प्राइस एंड यहाँ पर इंडियन ब्रांड का होना। अब यहाँ पर आप सभी की जानकारी के बता दूँ कि सैमसंग जो है वो यहाँ पर इंडियन ब्रांड नहीं है, बट उसके बावजूद भी वो 35,000 रुपये 30,000 रुपये में इतने घटिया स्मार्टफोन सेल करता है कि कोई सोच भी नहीं सकता, एंड आप फिर भी उसको बाय करते हैं, वहाँ पर आपको यह याद नहीं आता कि वो एक इंडियन ब्रांड है या फिर बाहर की ब्रांड है, तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। एंड अगर लावा इसी स्मार्टफोन को 25,000 रुपये या फिर 26,000 रुपये में लॉन्च करता तो किसी को याद नहीं आता कि एक इंडियन ब्रांड है। अब इसका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो लावा का ब्लेज 5G स्मार्टफोन हो अब तक का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन लावा की तरफ से आने वाला, बट जब लावा ने उसको लॉन्च किया था वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहा, उसको काफ़ी ज़्यादा हेट मिली थी कैमरा को लेकर के कि भाई इतने कम प्राइस में लावा ने इतना अच्छा कैमरा सेटअप एंड इतना अच्छा स्मार्टफोन कैसे लॉन्च कर दिया है। उसके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मैंने वीडियो भी देखे थे, बहुत सारी पब्लिक ने उसको खोल करके भी दिखाया था कि भाई क्या कैमरा दिया गया इसके अंदर, प्राइमरी तो 15 मेगापिक्सल का है बट जो दो सेंसर दिए वो किस काम में आएंगे, काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रहा था उसको, बट वहाँ पर किसी ने भी कोई भी सवाल जवाब नहीं किया। बड़े बड़े यूट्यूबर ने उसके ऊपर वीडियो बनाया था, कोई भी वहाँ पर सवाल जवाब नहीं करा। मुझे हेट इसलिए मिल रही है क्योंकि मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, एंड आगे आने वाले समय में जब मैं भी बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँगा तो मुझे कोई भी हेट नहीं करेगा, सब इस कान से सुनेंगे और इस कान से निकाल देंगे। एंड यहाँ पर मैं सपोर्ट करता हूँ लावा को, ऐसा नहीं कि मैं सपोर्ट नहीं करता, बट मेन बात यहाँ पर ये निकल कर कहती है कि स्मार्टफोन की प्राइस 22,000 रुपये है तो एक अच्छा स्मार्टफोन हो गया, इंडियन ब्रांड का स्मार्टफोन हो गया। अगर यही स्मार्टफोन 25,000 रुपये से ऊपर के प्राइस में जाता तो डेफिनेटली मैं लिख करके दे सकता हूँ कोई भी आप में से स्मार्टफोन बाय करने की सोचता ही नहीं, क्योंकि आप डेफिनेटली रियलमी के 10 Pro Plus स्मार्टफोन की तरफ जाने वाले थे, मैं यहाँ पर लिख करके दे सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर आपको 25,000 रुपये में इससे बेटर स्पेक्स मिल रही थी। 108 MP का कैमरा सेटअप मिल रहा था, कर्व डिस्प्ले वहाँ पर भी मिल रहा था, एंड काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी भी स्मार्टफोन की आपको देखने को मिल जाती है, काफ़ी हैवी यूसेज के लिए वो स्मार्टफोन बनाया, एंड उसके काफ़ी सारे मैंने ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी देखे थे जहाँ पर वो क्लियरली विनर हो गया था, कहाँ पर भी डिस्प्ले तक उसका नहीं टूटा था, तो आप डेफिनेटली उसकी तरफ जाते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएगा अगर ये स्मार्टफोन 28,000 रुपये या फिर 26,000 रुपये में लॉन्च करता तो क्या आप जब भी स्मार्टफोन को बाय करते, जब मैं आपको मानता कि हाँ भाई आप इंडियन ब्रांड को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊँ स्मार्टफोन लेकर के आपको डेफिनेटली बाय करना चाहिए। वैसे आज के समय में हमारे जो इलाका है, मैं मुझसे काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते रहते हैं कि भाई मुझे कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए, तो मैं उनसे सबसे पहले पूछता हूँ कि तुम्हारा बजट क्या है, एंड बजट के अकॉर्डिंग सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन ही मैं सजेस्ट करता हूँ लावा का ब्लेज 5G, क्योंकि आने वाले समय में 5G के ही जो वो वाले रहने वाले हैं, 5G आज के समय में हर जगह रहने वाला है, 4G का तो डिमांड अब खत्म होने वाली है, बट जैसे ही मैं लावा का नाम लेता हूँ कोई भी स्मार्टफोन को बाय करने की नहीं सोचता, आजकल सभी सोचते हैं कि भाई मुझे या तो रियलमी का फ़ोन लेवा दो
या फिर वीवो का फोन लिवा दो, सैमसंग वगैरह का लेना चाहते हैं सब। लावा को तो सब न्यू कहते हैं कि चाइनीज ब्रांड है, इसको तो कोई जानता भी नहीं है क्यों मैं यहाँ पर बाय करूँ, बट ये कोई नहीं जानता कि इंडियन ब्रांड है एंड काफी अच्छा स्मार्टफोन है लावा विलेज 5G। आपकी क्या राय है इसी को लेकर के कमेंट में बताएगा। मेरा आप सभी से यही सवाल है कि अगर ये स्मार्टफोन 25,000 रुपये फिर 26,000 रुपये में लॉन्च होता आपका क्या ओपिनियन रहता, इसको लेकर के कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप यहाँ पर आप सभी को कुछ समझ में आ गया हो इस वीडियो को देखने के बाद। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद।